What is that? Oh, jeez, bee cheese. Oh, jeez, air com, then it's air com. I'll call down the battery. What is that? They want to put up. निकाल दिए गाड़ी हिमांशु ने। देखो कल ही सर्विस कराई थी और बारिश पड़ेगी। देखो पीछे। हाँ जी मार्शल भाई, बढ़िया जी बढ़िया। गुड आफ्टरनून कर ले करो। जय श्री राम। जय श्री राम। पहलवान लग रहा बिल्कुल तगड़ा है। एसी ऑन कर दिया। हाँ चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एबी 7000 ब्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? साथ में एक बार मार्शल आज फिर आ चुका है भाई। ये देखो तो गाइस, अभी भाई जैसे कि मुझे आज या कल, आज तो नहीं, कल या परसों मुझे निकलना है लद्दाख के लिए। तो मैं गाड़ी में छोटे मोटे काम कराने के लिए जा रहा हूँ। लाइट वाइट अलाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ चेक कराएंगे। एक दो कुछ शॉपिंग भी करनी है। वैसे तो यहाँ पे अपने मतलब का सामान मिलेगा नहीं, बट देखते हैं। अभी पहले फ़िलहाल जाते हैं कार मार्केट बसंत कुंज। हमारे एक पुराने उस्ताद जी हैं, वहाँ पहुँचते हैं। और हिमांशु तो देखो आपको एज वेल लग ही रहा है तगड़ा। लद्दाख में फिर सिस्टम कर देगा पूरा वजन। बर्फ में कूदना नहीं है नहीं। तो गाइस अभी निकल चुके हैं भाई हम, वसंत कुंज पहुँचेंगे। उसके बाद मिलते हैं आपसे। दो तीन काम कराने गाड़ी में, वो करा के और अंकल जी आप बताओ कैसे हो? और भाई डीएसपी अंकल से बात कहाँ पर हो? ओ, मिलना अंकल जी आपसे। डीएसपी अंकल से बात कर रहा है भाई मानसू। हाँ तो जल्दी मिलते हैं, कब मिलोगे? तो गाइस पहुंच गए हम अभी वसंत कुंज और गाड़ी देखो धूप में खड़ी है। उस्ताद जी धूप में ही काम करेंगे। ये हमारे उस्ताद जी की दुकान है लखपत मोटर। उस्ताद जी क्या हाल है? और लखपत उस्ताद सरकार बन जाएगी ना अभी 8 तारीख को? 8 को बन जाएगी, आ जाओ। तो मेरे पीछे क्यों खड़ा? देखियो भाई इसके चप्पल गंदी हो गए, अब इसकी चप्पल मुझे ऐसे ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी। हाँ हिमांशु डिग्गी खोल। तो गाइस हमें ना लाइट चेंज करानी है अपनी। ये देखो क्योंकि गाड़ी को 4-5 साल हो गए ना, थोड़ी सी फीकी पड़गी। और अंदर वाली जो इसमें LED है HID वो भी चेंज करानी है। तो मेरे पास में रखी है, मैं नई लाइट लेके आया था। ये देखो ये रखी हुई, तो अभी ये फिट कराते हैं। तो ये जो पहले वाली देखो गाइस जला के, ये देखो कितनी रोशनी जला इसे जला, ये देखो कम है। और अभी नई वाली लगेंगी ना उनकी देखना, फिर उनकी कितनी तगड़ी रोशनी आएगी। उस्ताद गाड़ी जा रही है लद्दाख, कोई दिक्कत थोड़ी है डीजल अपनी। तो गाइस जैसे गर्मी बहुत है ना, तो गाड़ी में कूलेंट का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। और जो रेटर वगैरह है ना, रेटर में पानी लगाते रहा करो 10 दिन में, ये सबसे ज़रूरी है ना। क्योंकि रेटर में जब पॉल्यूशन जाता है, मिट्टी जाती है ना, गर्मी में ज़्यादा कैच करता है तो फिर चौक हो जाता है वो, और AC भी नहीं चलता और गाड़ी पे लोड ज़्यादा पड़ता है, हीट करने की संभावना बनी रहती है। कहने का मोटा मोटा ये तात्पर्य। तो गाइस देखो एक लाइट लग चुकी है और इसकी रोशनी देख लो अभी, तो दिन में ही आपको दिन में ही पता चल जाएगी। और ये पुराने वाली है, दोनों में फ़र्क देख लो। क्योंकि ये वाली जो है वीक पड़गी और ये वाली नई वाली जो है ना, ये 150 वाट की है। ओके। तो गाइस लग चुकी है अपनी लाइट, फिट हो चुकी है भाई बिल्कुल। और डिपर मार, डिपर हाई लो कर, हाई लो, हाई लो कर। ये देखो अब बाइक कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी चलते हैं आगे और उस्ताद से मिलवाता हूँ पहले आपको। उस्ताद जी भाई ये लखपत उस्ताद जी हैं अपना, वसंत कुंज में इनकी वसंत स्क्वायर मॉल के सामने दुकान है। और सर्विस से लेके गाड़ी की उस्ताद जी बता दो एक बार क्या क्या करते हो? सारा काम है, इंजन से लेके हमारे पास सारा काम है। क्या क्या करते हो? मैकेनिकल जो भी है, मैकेनिकल सारा, सस्पेंशन, इंजन, सर्विस, एनीथिंग। तो ये मैं आपका नंबर दिखा देता हूँ गाइस, वसंत स्क्वायर मॉल के सामने है। ये देखो लखपत मोटर्स के नाम से ये वाली दुकान है। तो आप कभी भी आओ, जो मेहरौली के आसपास में, दिल्ली में कोई भी है, वो बेस्ट रेट में आपको करके देंगे। तो अभी चलते हैं हम, देखते हैं आगे अलाइनमेंट वाला मिलता है उसको एक बार अलाइनमेंट चेक करा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी जाएगी तो पूरी फिट करा के ले जानी पड़ेगी लद्दाख। तो अभी चलते हैं। AC चला दे। वैस ये वसंत स्क्वायर मॉल देखो, इसी के सामने दुकान है। ये सारे ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं, KFC वगैरह सब, तो लिमिटलेस वगैरह। तो इसी के सामने उस्ताद जी की दुकान है। तो अभी हम चलते हैं हिमांशु अलाइनमेंट वाले के पास, चलना देख एक बार। लेफ्ट है, लेफ्ट 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 है, लेफ्ट, यहाँ से शिफ्ट होगी दुकान में।
तो अभी चलते हैं हम अलाइनमेंट वाले उस्ताद जी हमारे सुरेश, उन्हें ढूंढते हैं, मिलते हैं, तो नहीं तो फिर कल करवाएंगे, बट कराने जरूरी है। तो गाइस जो सुरेश अलाइनमेंट वाले अपने उस्ताद जी है वो यहाँ बैठते हैं, बट अभी दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, यहाँ पे है नहीं। तो चलो कल शायद आएंगे तो कल करा लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज या तो अभी कहीं गए हुए हैं, वैसे तो जाते नहीं है, बट चलो कल करा लेंगे। हिमांशु फिर है, कल करा लेंगे अलाइनमेंट, है ना? बिल्कुल। तो गाइस चलो फिर अभी चलते हैं घर पे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जाके अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, वो लोग अपलोड करेंगे, एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर कल करा लेंगे अलाइनमेंट। बाकी सारी तैयारी करनी है, कपड़े भी पैक करने हैं लद्दाख के लिए, अपना लंबा ट्रिप होगा इसलिए। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मार्शल को मत भूलना, मार्शल बाय कर दें। लव यू गाइस।